फ्रेंड्स वेलकम बैक टू फूड्स ऑफ फिटनेस। आज आप बनावीशु सरगवानुं सूप। सरगवो अपना शरीर माटे खूबज फायदाकारक छे अने सरगवानुं सूप जे छे ए तमे गरमा गरम पीवो तो एनो स्वाद खूबज सरस लागे छे। सरगवानुं सूप एकदम ओछी मेहनते सहेली रीते केवी रीते बनाववुं अने एनो टेस्ट वधारवा माटे एमां शुं उमेरवुं ए बधुं हुं तमने आगळ विडियोमां जणावुं छुं। तो चालो बनावीए बाळकोथी लई अने वडीलो सुधीना बधाने भावे एवुं टेस्टी सरगवानुं सूप। रेसिपी गमे तो विडियो ने लाइक करजो, शेर करजो अने आवा ज नवा विडियो माटे मारी चेनल ने सब्सक्राइब करजो। तो हवे सौथी पहेला एकदम टेस्टी अने शरीर माटे खूब ज फायदाकारक एवा सरगवानुं सूप बनावा माटे मैं अहींया 5 मीडियम साइजनी सरगवानी सींग लीधी छे। एकदम सरस लीली अने ताजी होय एवी सरगवानी सींग लेशो तो सूप खूब ज सरस बनशे। हवे आपणे सरगवाने सारी रीते धोई अने आ रीते छाल उतारवाना चाकूथी सरगवानी छाल काढी लेशो। तमे आ रीते सरगवानी छाल काढी लेशो एटले एकदम आसानीथी सरगवो बफाई जशे। छाल नीकळी जाय एटले सरगवानी सींगनो उपरनो अने नीचेनो पार्ट आ रीते कट करी लेशो अने हवे आपणे मीडियम साइजना टुकडामां सरगवानी सींगने कट करी लेशो। तो आपणे आ सरगवाने कुकरमां बाफवानो छे। तो कुकरमां जे साइजनी सींग समाय एवडी तमारे सींगनी साइज करवानी छे। तो हवे अहींया तमे जोई शको छो मैं आ रीते एक सरगवाने सारी रीते छाल काढी अने मीडियम साइजना टुकडामां कट करी लीधो छे। तो हवे बाकीनी जे सींग छे एने पण आपणे बिलकुल आ ज रीते छाल उतारी अने कट करी लेशुं। तो जे लोकोने कमरनो घुटणनो दुखावो होय एमना माटे तो सरगवो एकदम फायदाकारक छे। सरगवामां भरपूर मात्रामां विटामिन सी रहेलुं छे अने एंटीऑक्सिडंट पण रहेलुं छे। तो सरगवानुं सूप ज्यारे सरगवानी सीजन होय त्यारे बनावीने पीवुं ज जोईए। अहींया तमे जोई शको छो मैं बधी सरगवानी जे सींग छे एने आ रीते कट करी लीधी छे। हवे आ सरगवाने बाफवा माटे आपणे सरगवाने कुकरमां लई लेशुं अने आमां आपणे 2 कप जेटलुं पाणी उमेरीशुं। तो अहींया तमारे केटलुं घाटुं के पातळुं सूप करवुं छे ए प्रमाणे पाणी उमेरवानुं। आटली क्वोंटिटी तमे पाणीनी उमेरशो तो मीडियम थीक एवुं सूप तैयार थशे। तो हवे आपणे आ जे सरगवो छे एने बाफता समये ज आपणे आमां 1/4 टीस्पून जेटलुं नमक उमेरीशुं अने 1/4 टीस्पून जेटलो हळદર પાવડર उमेरीशुं। अहींया नमक तमे तमारा टेस्ट प्रमाणे वधारे के ओछुं करी शको छो। हवे आपणे कुकरनुं ઢાંકણ બંધ કરી મીડિયમ ગેસ પર આ સરગવાને 2 વિસલ કરી લેશું। 2 થી 3 જ વિસલમાં સરગવો સરસ બફાઈ જાય છે। સરગવો બફાઈ ગયો એટલે મેં ગેસને બંધ કરી કુકરનું પ્રેશર એની જાતે જ પૂરું થવા દીધું હતું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણો જે સરગવો છે એ એકદમ સરસ બફાઈ ગયો છે। આ રીતે હું ચમચાને ફેરવું તો એકદમ આસાનીથી સરગવાની સીંગ જે છે એ તૂટી જાય છે। તો બસ તમારે આ રીતનો સરગવો બાફવાનો છે। હવે તમે એક એક સિંગમાંથી પલ્પ કાઢી અને સૂપ બનાવશો તો એકદમ પ્રોસેસ લાંબી થઈ જશે અને થોડું ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ થશે। તો આ રીતે થોડો તમારે સરગવાને ચમચાથી તોડી અને હવે આને આપણે બ્લેન્ડરથી ક્રશ કરી લેશું। તો હેન્ડ બ્લેન્ડરને આપણે 2 થી 3 વાર આ રીતે સૂપમાં ફેરવશું એટલે એકદમ આસાનીથી જે કંઈ પણ સરગવાનો કસ છે એ બધો અલગ થઈ જશે અને પલ્પ જે છે એ બધો સરસ અલગ થઈ જશે। तो आ रीते तमारे ब्लेंडर ने 2 થી 3 वार फेरवानुं। सरगवो ज्यारे बफाई जाय पछी तमने एवुं लागे के पाणी ओछुं छे तो तमे थोडुं ब्लेंडर फेरवता समये पाणी उमेरी शको छो। तमे 2-3 वार ज सरगवाने क्रश करशो ब्लेंडरथी एटले एकदम सरस सरगवो क्रश थई जशे। हवे आपणे अहींया आ रीतनुं एक बोल लई लेशुं एना पर गणो राखी देशुं अने आपणे जे सरगवानुं सूप तैयार कर्युं छे एने आपणे आ रीते गाळी लेशुं। तो अहींया तमे जोई शको छो एकदम आसानीथी सरगवाना जे छोतरा छे ए अलग थई गया छे अने आपणुं सूप पण सरस अलग थई गयुं छे। आने सारी रीते आ रीते चमचाथी फेरवी अने गाळी लेशुं। तमने एवुं लागे के छोतरामां हजी थोडो पल्प छे तो एमां थोडुं पाणी उमेरी फरीथी पण तमे एने क्रश करी शको छो। अहींया आपणुं सूप एकदम सरस तैयार थई गयुं छे। सूपना एकदम सारा टेस्ट माटे आपणामां अर्धा લીંબુ કરતાં પણ થોડો ઓછો રસ ઉમેરીશું। લીંબુના રસથી આ સૂપનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ લાગશે। અહીંયા તમારે થોડા ફોદીનાના પાન અને થોડી ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરવી હોય તો એ પણ ઉમેરી શકાય। આ સૂપને તમે સતપ જેવું ગરમ ગરમ પીશો તો પીવાની ખૂબ જ મજા આવશે। આનો સ્વાદ એટલો સરસ લાગે છે કે બાળકોને પણ આ સૂપ પીવું ખૂબ જ ગમશે। તો હવે આપણે ગરમા ગરમ આ સૂપને સર્વ કરી લઈએ। तो मैं जेम तमने कह्युं एम आटली क्वॉंटिटी थी 3 सूप बाउल जेटलुं सूप तैयार थाय छे। तो तमे आ रीते आ सरगवाना सूपने बनावजो अने तमारो अनुभव मने कमेंट बॉक्स में जरूर जणावजो। रेसिपी गमी होय तो विडियो ने लाइक करजो, शेर करजो अने आवा ज नवा विडियो माटे मारी चेनल ने सब्सक्राइब करजो। फरी मळीशुं एक नवी रेसिपी साथे, त्यां सुधी थैंक्स फॉर वॉचिंग।